ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों बागवानों को सरकार द्वारा मोन पालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि किसानों बागवानों की आय को बढ़ाया जा सके। निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में उद्यान विभाग द्वारा एक जागरूकता कैंप के दौरान ये जानकारी प्रदान की गई। किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों बागवानों को सरकार द्वारा मोन पालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि किसानों बागवानों की आय को बढ़ाया जा सके। निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में उद्यान विभाग द्वारा एक जागरूकता कैंप के दौरान ये जानकारी प्रदान की गई। अब किसान व बागवान प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मधु विकास योजना से न सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे बल्कि इससे पॉलिनेशन द्वारा फल फूल दलहन व तिलहन की उत्पादकता व गुणवत्ता भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि मधु विकास योजना के तहत ब्लॉक मुख्यालय पर उद्यान विभाग की ओर से बेरोजगार युवा किसान व बागवानों को मोन पालन यूनिट के लिए जहां 80% तक सब्सिडी दी जाएगी, वहीं इस योजना के तहत एक व्यक्ति को अधिकतम 50 यूनिट तक सब्सिडी विभाग की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा मोन पालन हेतु बक्से खरीदने के लिए भी 50 बॉक्स तक 1600 रुपए प्रति बक्सा की दर से किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी और मोन पालन से संबंधित यंत्रों को खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही घरों में देसी मधुमक्खी पालने वाले को भी प्रति छत्ता 1000 रुपए तक दिए जाएंगे। उपनिदेशक उद्यान विभाग डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के बारे में नौणी पंचायत के लोगों को जागरूक किया गया है, जिसमें किसान खंड स्तर पर इसके लिए आवेदन कर सकता है, जिसके लिए उसे निशुल्क 5 दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद उसे मोन पालन के लिए 1600 रुपए प्रति बॉक्स की दर से 50 बॉक्स तक आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उसे इसके यंत्रों के लिए भी पैसा दिया जाएगा और जो पहले से ही घरों में देसी मधुमक्खी पाल रहे हैं उन्हें भी 1000 रुपए प्रति छत्ता उद्यान विभाग की ओर से दिया जाएगा। आज उद्यान विभाग द्वारा निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में बागवानी से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई, जिसमें जितनी भी योजनाएं जो लोगों के हितों की हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान की गई।